दिल्ली के रोहिणी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर बदमाश 27 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। एक एग्जीक्यूटिव से पानी मांगा ने देने लगे, उसको गन लगा दी। मेरे बिल लास्ट में मैं बिल कर रहा था, फिर लास्ट टाइम पे मेरे को लगा दी उन्होंने। बोले कि भाई हिलेगा तो गोली मार देंगे, ठीक है, सीधा हाथ ऊपर करके अंदर की तरफ चल दें। पुलिस ने आगे हमारा सारा इन्वेस्टिगेशन, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने आगे, ACP DCP सभी आए हैं, सभी ने आगे हमारे यहाँ पे करा काम अपना, हमारा बयान वगैरह भी लिया। बदमाश ग्राहक बनकर आए थे और वारदात के बाद शोरूम में लगे CCTV कैमरों के DVR तक ले गए, जिससे इनके खिलाफ कोई सबूत न मिल सके। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शोरूम में वारदात के वक्त मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की और मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आसपास की दुकानों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, जिससे बदमाशों की पहचान हो सके। दिल्ली से प्रभाकर राणा के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।